हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल के सेशन के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, उनको डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं आज के प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में हमने आज के डेट पर कौन कौन से ट्रेड प्रोवाइड किए थे। आज मॉर्निंग में हमने पहले निफ्टी का एक ट्रेड प्रोवाइड किया था। अगर देखेंगे ट्रेडर, 18,250 का कॉल ऑप्शन दिया था 108 से, टारगेट था 130 का, स्टॉप लॉस था 100 का, बट इसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन अगेन हमने इसमें जो एक ट्रेड दिया था वो दिया था अडानी इंटरनेशनल 2100 का कॉल ऑप्शन, अडानी इंटरप्राइजेस का 2100 कॉल ऑप्शन दिया था 55 रुपये से, टारगेट था 100 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस 43 का था। इसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है अडानी इंटरप्राइजेस ने, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट का जो केस था इसमें, तो कोर्ट ने एक अच्छा जो फैसला सुनाया था, कुछ राहत दी थी अडानी ग्रुप को, उसके कारण एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला अडानी के पूरे ग्रुप में, सारे स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला। अडानी इंटरप्राइजेस में अगर देखेंगे तो इंटरडे में 19% तक का अप मूव देखने के लिए मिला था, और ऐसे अडानी पोर्ट्स में भी अच्छा अप मूव देखने के लिए मिला 7 से 8% तक का। अगर मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में देखेंगे तो उसमें भी हमने एक ट्रेड प्रोवाइड किया था अडानी पोर्ट्स का, बाय थी 732 की, टारगेट था 760 का, 753 तक गया ट्रेड किया था। उससे पहले हमने इसमें अपना प्रॉफिट बुक करवा लिया था और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए बोला था। अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम टेलीग्राम से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग और एलाइज ब्लू का डीमेट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर अपना डीमेट ओपन करा सकते हैं और उसमें फंड ऐड करके आप हमें अपना स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, जिससे आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कल के सेशन के लिए हम कौन कौन से ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने फ्राइडे के सेशन में जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि एक हैमर कैंडल बनी हुई है सपोर्ट लेवल पर निफ्टी में, अगर इसे क्रॉस करता है तो इंटरडे के सेशन में हमें 18,317 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, और वैसे ही हुआ। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला, और जैसे ही इस कैंडल को क्रॉस किया वैसे ही अप मूव देखने के लिए मिला हमें निफ्टी में। अगर देख लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर कैसा कैसा परफॉर्मेंस किया है निफ्टी ने आज के सेशन में, ये देखिए ट्रेडर्स, ये एक लेवल था 18,180 का, इस एरिया के आसपास ओपन हुआ, और जैसे 18,220 को क्रॉस किया एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला अपसाइड में, तो निफ्टी में आज के सेशन में जो हमने अपने टारगेट दिए थे वो अचीव हुए हैं। कल के सेशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर निफ्टी में देखेंगे ट्रेडर्स, 18,280 से लेकर 18,240 का एक सपोर्ट लेवल है, इस एरिया के आसपास आपको निफ्टी को सेल नहीं करना है, और अपसाइड में देखेंगे अगर 18,345 के एरिया को निकालता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में अपसाइड पे। तो ये दोनों लेवल आप नोट करके रखिएगा, कल के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कल के सेशन में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम हमने कहा था कि वन डे सेशन में अगर देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर जो हमने प्रिडिक्शन की थी बैंक निफ्टी के लिए, ये देखिए डेट, मैंने कहा था कि अपर साइड में होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी, और एक बायर पुल करके लेके गए हैं बैंक निफ्टी को अपसाइड में, बट इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट आज के सेशन में बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, इस कैंडल के अपर साइड पे ट्रेड नहीं किया बैंक निफ्टी ने, इसलिए एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिला। हो सकता है कल के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिले, ये कैंडल हॉल्ट कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, हो सकता है कल के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने के लिए मिल सके। तो छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो ट्रेडर ये देखेंगे आज मॉर्निंग से लेकर क्लोजिंग तक बैंक निफ्टी इसी एरिया के पास कंसोलिडेट करता रहा है। इस एरिया अपर साइड में 43,990 का एरिया है, अब लोअर साइड में अगर देखेंगे 43,780 का एरिया है, जिसके आसपास बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता रहा है। अगर कल के सेशन में 43,990 को निकालता है, एक 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर क्लोज करता है, तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने के लिए मिल सकता है। तो ट्रेडर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना है हमें, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, इसे अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। आज के सेशन में भी यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न करके बनाकर एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था बैंक निफ्टी में मॉर्निंग सेशन में, तो कल के सेशन में हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिले, बट अगर 15 मिनट की कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है इसके ऊपर तो एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। सेलिंग साइड में अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि सेल साइड में प्रॉपर यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बने हुए हैं। अगर देखेंगे 43,780 का एक सपोर्ट एरिया, और यहाँ पर उसके बाद अगर देखेंगे 43,670 का एरिया कंटिन्यू अगेन सपोर्ट एरिया, तो ये एरिया सपोर्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, तो सेलिंग साइड में भी नहीं देखेंगे। अगर कंसोलिडेट करता है इसी एरिया पे तो कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, निफ्टी में हम ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी का अवॉइड करेंगे, निफ्टी में ट्रेड हम फाइंड करेंगे। तो ट्रेडर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।